मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस शासित प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान छत्तीसगढ़ और पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना की भयावहता फैली हुई है। इन्हीं प्रदेशों से दूसरे राज्यों में कोरोना फैला है। हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देते क्योंकि यह वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, अपने वीडियो बनाकर जारी करते हो, ये ठीक नहीं है। मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से आई है। कोरोना को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेसी साथियों को याद रखना चाहिए कि कोरोना की भयावहता कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पंजाब और राजस्थान में ज्यादा है। सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों को चाहिए कि वे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक ट्वीट कर दें। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर का फेज महाराष्ट्र के कारण ही आया है, कुछ इस बारे में भी कांग्रेसियों बोल दो। तो आप लोगों के प्रदेशों में सबसे ज्यादा फैली है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राजस्थान और पंजाब में, इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था, कुछ उनके बारे में भी बोल दो। अब किसी को दोष नहीं देते इसके लिए क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होके सोचो तो अच्छा लगे। सबक तो जनता दे रही है, उनको हर चुनाव में सबक मिल रहा है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे हर चुनाव में सबक मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी। अब इन्हें सबक थोड़ी मिलना है, अब तो शांति मिलना है। और उन लोगों से आग्रह है जो चिट्ठी लिख रहे थे कि 100 बहुत कम है, जो ट्वीट कर रहे थे कि 100 बहुत कम है, एक आध ट्वीट नौजवानों को प्रोत्साहन करने को भी करो मेरे भाई, या सिर्फ आलोचना करने को ही बने हो, एक हाथ तो जनता के बीच आके खड़े हो, कहीं का तो फोटो डाल दो, पुरानी डाल दो अगर नया नहीं डाल पा रहे तो। लेकिन वारे कांग्रेसी हो, सवाल पर सवाल पूछने को तो आप अलग से एजेंसी फायर कर करके लगाए हुए हो, जनता की कहीं एक भी आईसीयू वार्ड में नजर नहीं आ रहे, किसी भूखे को रोटी खिलाते नजर नहीं आ रहे। यहां तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, खाद्यान्न से लेके इंजेक्शन तक, अस्पताल तक सारे कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ट्विटर पर ही महारत हासिल कर रहे हो। ये बीमारी याद रखना कांग्रेस के मित्रों, आप लोगों के प्रदेशों में सबसे ज्यादा फैली है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राजस्थान और पंजाब में, इसकी भयावहता सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में और आपके प्रदेशों से ही दूसरे प्रदेशों में गई है। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था, कुछ उनके बारे में भी बोल दो। हम किसी को दोष नहीं देते इसके लिए क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, लेकिन जिस तरह से आप मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हो, ट्वीट करते हो, अपनी क्लिपिंग बना के जारी करते हो, इसके बारे में अंतर्मुखी होके सोचो तो अच्छा लगेगा। मिश्रा ने कहा राहत भरी खबर ये है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 डिजिट के नीचे आ गई है, शहरों में संक्रमण घट रहा है, खाद अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, अब इसमें नकली दवाइयों वाले नराधम नरपिशाचों को भी शामिल किया जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर जेलों में ठूसा जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस को सबक नहीं शांति मिलना बाकी है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे हर चुनाव में सबक मिल रहा है। आज का दिन भी पूर्व की भांति कोरोना के लिए राहत भरा दिन है। अब हम 5 डिजिट से नीचे आ गए, 4 डिजिट पे आ गए। आज 9,715 नए केस आए, जबकि 8,460 केस ठीक होकर के अपने गंतव्य की ओर भी गए, घर गए, सकुशल गए। जो ट्रेंड आ रहा है पिछले 3-4 दिन का, उस ट्रेंड में अब शहरों में राहत है। जो गांव में थोड़ा सा फैलाव आया था, जिसे मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया, नए केसों में काफी कमी गांव में भी आ रही है, क्योंकि कोरोना का पेशेंट आकर 14 दिन रहता है, इसलिए वो साइकिल बनने में भी
लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस में ऑक्सीजन है, सरप्लस में रेमडेसिविर है। आज की तारीख में हमारे पास अब पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, पर्याप्त दवाई है, पर्याप्त सुविधाएं हैं और अस्पतालों में सब निशुल्क है। वैक्सीनेशन में नौजवानों से आग्रह, हाथ जोड़ करके आएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। स्लॉट बुक करने के बाद भी कल लगभग 150 युवा स्लॉट बुक करने के बाद नहीं आए और वैक्सीन खराब हुई, ये पीड़ादायी है। खाद अपमिश्रण में हमने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उसमें आजीवन कारावास में अब हम इन नकली दवा वालों को भी शामिल करने का हमने विधि विभाग को बोला है। इन पर कोताही किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, ये निराधम है, ये नरपिशाच है, किसी भी कीमत पे इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और जेल में ठूसेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।